हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो फ्रेंड्स, 19,263 विद्यालय सहायक और परिचारियों की होगी सीधी भर्ती। राज्य के माध्यमिक शिक्षा के तहत जिला परिषद एवं विभिन्न नगर निकायों के तहत स्वीकृत पद का 50% नियुक्तियां अनुकंपा से की जानी है। पदों को नियोजन के आधार पर भरा जाएगा और शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारी भी कर ली है। इसके लिए पद सृजित किए गए हैं। विद्यालय सहायक एवं विद्यालय परिचारी के स्वीकृत पद पर सीधी नियुक्ति के लिए नियोजन प्रक्रिया शुरू करने से पहले कैबिनेट से जल्द ही मंजूरी ली जाएगी। वर्तमान में इन पदों पर केवल अनुकंपा से नियुक्ति चल रही है। जानकारी हो कि प्रदेश के उत्क्रमित 6,421 प्लस टू विद्यालयों में विद्यालय परिचारी और विद्यालय सहायक के पदों पर नियुक्ति का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। प्रत्येक उत्क्रमित स्कूलों में दो दो परिचारियों और एक एक विद्यालय सहायक का पद सृजित किया जा रहा है। इस तरह इन दोनों पदों के लिए कुल 19,263 पद सृजित किए गए हैं। विभिन्न शासकीय विद्यालयों में लिपिक व चतुर्थ वर्गीय कर्मी, मसलन आदेशपाल के पद संवर्ग को खत्म करके रिक्त पदों को क्रमिक रूप से प्रत्यर्पित मानते हुए विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारियों के पद सृजित किए गए हैं। वर्तमान में प्रदेश के अधिकतर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में ये दोनों पद खाली पड़े हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ दिनों पहले ही विद्यालय परिचारी विद्यालय सहायक की जो बहाली आने वाली थी उसके बारे में आपको अपडेट दिया था और उसका कन्फर्मेशन आप देख सकते हैं। यहाँ पे शिक्षा विभाग से जारी हो चुका है कि जल्द ही 19,263 विद्यालय सहायक और परिचारियों की सीधी भर्ती की जाएगी। और फ्रेंड, जल्द ही इसके सेकंड पार्ट में मिलते हैं जिसमें बताएंगे कि आपको इसमें अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, इसका एप्लीकेशन फ़ी क्या है, इसके ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो इसके लिए आपको चैनल से कनेक्टेड रहना है। फिर भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आपके जितने भी साथी हैं, फ्रेंड्स हैं, उन तक ये शेयर जरूर करें। तो फ्रेंड, जल्द मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।